हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पार्थाएदुतुब। मेरा नाम है पार्थ प्रतिमजुमदार और ये हम लोग का तीसरा वीडियो है स्टार्टअप के पूरे एक सीरीज का। दोस्तों, आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि ये हम लोग का एक स्टार्टअप का पूरा सीरीज है जो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए बेसिकली। तो आप लोग इसको डेफिनेटली देखना एंड पहला दूसरा वीडियो देखना अगर नहीं देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बीसीजी डिस्कस किया है। फिर बेस्ट स्टेप फॉर द स्टार्टअप कौन सा था, कौन सा है या रहेगा पता नहीं, मतलब अब देखना जाके, ठीक है? अब देखना, सस्पेंस देखना जाके। अगर देखा है तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखना। एंड ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, देखो यार, मुझे यूट्यूब पे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया है। मोर देन वन ईयर आई एम इन दिस फील्ड एंड 3 साल से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है स्टार्टअप पे। कॉलेज स्टार्टअप हो, खुद का स्टार्टअप हो, बिजनेस प्लान जीता हो हारा हो, 3 साल से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस बेस पे मैं ये स्टार्टअप का पूरा सीरीज बना रहा हूँ आप लोग के लिए। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग का बैंडवेगन इफेक्ट। तो व्हाट इज बैंडवेगन इफेक्ट एंड इसके एग्जांपल्स क्या है, ताकि उसको मैं थोड़ा आसानी से आपको समझा सकूं एंड क्या ये हम लोग के लिए यूजफुल है कि नहीं। बहुत ही छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। ये बहुत ही फेमस इफेक्ट है। हाँ, और भी बहुत सारे इफेक्ट है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो को स्किप मत करना यार, पूरा देखो, छोटा ही वीडियो है। व्हाट इज बैंडवेगन इफेक्ट? Bandwagon effect is basically tendency of an individual to acquire a style, behavior or attitude because everyone else is doing it. इसका मतलब क्या है कि हम उसको करते हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, ठीक है? मतलब करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं एंड सब लोग कर रहे हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। नहीं आया समझ में, थोड़ा इजी करता हूँ। देखो यार, मान लो कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कैब बुक करना है, ठीक है? एक है आपका ओला का कैब और एक है आपका नॉर्मल कैब, तो आप कौन सा बुक करोगे? डेफिनेटली आप ओला का करोगे क्योंकि वहां पे सेफ एंड सिक्योरिटी है, ठीक है? ऑब्वियसली करोगे क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं, आप नॉर्मल कैब बुक नहीं करोगे, ठीक है? मान के चल रहे कि आपने एक बार नॉर्मल कैब बुक भी कर लिया, लेकिन अगर आप एक अनजान शहर में जाते हो, ठीक है, वहां पे आपको किसी का आता पता नहीं है, ना घर पता है, ना रास्ता, कुछ भी पता नहीं है, तो आपको दो कार दिख रही है, दो कैब दिख रही है, एक में बहुत लोग जा रहे हैं, एक में कोई भी नहीं जा रहा है, तो आप कौन से कार में जाना पसंद करोगे? डेफिनेटली उसी में ना, जहां पे बहुत लोग जा रहे हैं, जहां पे बहुत लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार, जहां पे बहुत लोग जा रहे हैं वो डेफिनेटली सिक्योर होगा, सेफ होगा। बहुत लोग चूज कर रहे हैं मतलब वो सेफ ही होने वाला है, उसमें कुछ खतरा नहीं है, ठीक है? मिनिमम केसेस, रेयर केसेस में खतरा हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंडवेगन इफेक्ट, मतलब जो बाकी लोग कर रहे हैं वही हम लोग करते हैं। और सिंपल करूं, आप लोग Netflix के सब्सक्रिप्शन लेते हो, Amazon के लेते हो, अल्टबलाजी के लेते हो, उल्लू के लेते हो, किसी के भी लेते हो, मुझे नहीं पता किसके लेते हो यार। अब स्विगी पे, जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, किस लिए करते हो? क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं ना, बाकी लोग भी करते हो, तब आप भी कर रहे हो। आप ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज देखते हो लेकिन आपको पसंद भी नहीं, लेकिन आप देखते हो क्योंकि बाकी लोग देख रहे क्या है, ठीक है? एडॉप्टेड स्टाइल, एडॉप्टेड बिहेवियर। अब बात करते हैं कि बैंडवेगन इफेक्ट बेसिकली क्या फेनोमेनन है, ये हम लोग का मतलब क्या चेंज है, मतलब ये हम लोग का है साइकोलॉजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल बिहेवियर। अब यार बात करते हैं कि बैंडवेगन इफेक्ट अच्छा है कि बुरा है हम लोग के लिए। देखो यार, सीधे सीधे बताओ तो कि ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मान लो कि अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, तो आप कौन से होटल बुक करना चाहोगे जो ओयो के होटल से? क्योंकि आपको पता है कि जब आप कॉलेज में थे तो 50% से ज्यादा बंदे ओयो गए थे, तो आपको पता है कि हाँ, वो तो सेफ होता है, ठीक है? तो आप वहीं पे जाना पसंद करोगे, राइट? ओयो पे जाना पसंद करोगे क्योंकि वो सेफ होता है, ठीक है? बिकॉज वी ट्रस्ट दैट, बिकॉज लोग वहां पे ज्यादा जाते हैं। अब लेते हैं यार इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं, ठीक है, 11th 12th में, फिर वो लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ले लेते हैं क्योंकि बाकी सबने ले लिया। अब देखो, मार्केटिंग का पूरा पूरा दुनिया है, वो एक पूरा मीडियम है, कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो लोग एक्ट्रेस को ला रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब आपको दिखा रहे हैं वीडियोस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, किसी के कहने के थ्रू दिखा रहे कि ले लो एडमिशन, ले लो सब्सक्रिप्शन, ले लो कोचिंग, ले लो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आप लोग ले लेते हो, लेने का इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ले लेते हो। क्यों ले लेते हो? क्योंकि बाकी लोग ले रहे हैं ना। आइडर इंजीनियरिंग, आइडर मेडिकल, आपके पास पोटेंशियल है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि बाकी लोग ले रहे हैं। फिर होता नहीं है करेक्ट, फिर ये नहीं होता, फिर वो नहीं होता। तो आप देखो ये अच्छा है कि बुरा है, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, बस आपको देखना कि ये आपको अच्छा है या बुरा है। अच्छा से बुरा से हर जगह में होता है, ठीक है? अब बात करते हैं यार क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ इस वीडियो को, अगर एक मैं स्टार्टअप बिल्डअप कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मेरे प्रोडक्ट को लोग खरीदे। कैसे? मैं बैंडवेगन अप्लाई करूँ ताकि लोग मेरे वीडियोस को देखे, मेरे प्रोडक्ट को खरीदे, मेरे मतलब तेरे मेरे, ठीक है? मतलब समझ गए हो ना आप बेसिकली। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही आसान एक इफेक्ट था जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर डेफिनेटली करना एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो मिलते हैं तब तक। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।